अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं चाय वाला। अगला आइडिया है कि अकाउंटिंग किसी के लिए करना, हर बिजनेस, यानी स्मॉल तो नहीं होएगा, ये सब्जी वाले को तो नहीं चाहिए, लेकिन एवरीबॉडी फ्रॉम जूता बेचने वाले जिनकी अपनी दुकान है उनसे ऊपर सबको अकाउंटिंग रखने की जरूरत है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं रखते, आपको अगर समझ नहीं है कि मेरे पास माल कितना है, पिछले महीने कितना आया था, पिछले अक्टूबर कितना आया था, पिछले पिछले से अक्टूबर कहाँ से आया था, और पिछले पिछले यानी कि कई सालों का अगर आपके पास हिसाब नहीं है तो फिर आप अनारी बिजनेसमैन हो। हर बिजनेसमैन के पास अकाउंटिंग होनी चाहिए ताकि वो लगा सके कि मैं बढ़ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा जा रहा है, कौन सा महीना अपना, उस पर थोड़ी हाथ जो है ना उस पर कंट्रोल रखना है। एक तो अगेन वही बात हो रही है, रास्ता नहीं दे रहे। राइट, ओके, सो राइट, सो इसमें मैं कहता हूँ अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, राइट, लेकिन अकाउंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होती है बुक कीपिंग, होता है बस किताब का हिसाब किताब रखना। आप स्टार्ट यहाँ से कीजिए कि आपको हर बिजनेस वाले को ये सप्लाई करना है कि जी आपका हिसाब कैसे जा रहा, आपके खर्चे कितने थे, आपके आपका इनकम कितना आया, आपकी प्रॉफिट वाकईतन कितनी है। उमूमन लोग इस लारे पे रहते हैं, और जी मैंने ना 5 लाख की सेल की है, 5 लाख की सेल की है, लेकिन उसमें बचा क्या है? ठीक है, आप बाकी तौर पे उनको बता सकते हैं कि जी आपने ना 5 लाख में से जी 55,000 जो है ना बचा के रखा है, वो आपकी प्रॉफिट है क्योंकि आपने इसको तनख्वाह दी, इस पे इतने का माल खरीदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसमें आपको आप महीने वार फीस लगा सकते हो, आप क्वार्टरली जिसको हर 3 महीने की फीस बोलते हैं आप वो लगा सकते हो, सालाना फीस लगा सकते हो, और इसमें आपको अकाउंटेंट की डिग्री या अकाउंटेंट की वो और कुछ की किसी अपना क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ हिसाब किताब रख रहे हो। बिजनेसों को क्या फ़ायदा है कि वो एक बंदे की फुल टाइम तनख्वाह नहीं दे रहे, क्योंकि एक अकाउंटेंट की फुल टाइम ज़रूरत भी नहीं होती आपको, वो चंद आपको सिर्फ आप उनको फ़र्ज़ कीजिए एक हफ्ते में चंद घंटे देने हैं, एंड महीने के आप फ़र्ज़ कीजिए एक दिन होएगा, इस तरह फुल हो सकते हैं, कुछ को वो भी नहीं ज़रूरत होगी। आप 2,000, 3,000, 5,000 सब्जेक्ट टू व्हाटएवर बिजनेस का जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं उस हिसाब से आपने उनको फ़ीस लगानी है, एंड अगर आप 30 बंदे इकट्ठे कर लेते हो तो बैर मिनिमम 2,000 भी अगर आप चार्ज कर रहे हो तो 60,000 महीने का बनता है। आपको किसी और कोई खर्चा तो है ही नहीं, आपके पास फ़ोन का होएगा, थोड़ी चलने फिरने की होएगी, एंड दैट्स इट। इसके लिए आपको आप एक तो या बुक कीपिंग की कोर्स कर सकते हो, बुक कीपिंग की कोर्स हफ्ते में या 3-4 दिन में हो जाती है, लेकिन वो जो बुक कीपिंग कोर्स है ना वो हुआ है जो पुरानी हाथ से लिखी जाती थी। आपको इसके अलावा ये चाहिए होएगा, एक पैकेज होता है सेज अकाउंटिंग का पैकेज, वो आप सीख सकते हो। आप वो टैली सीख सकते हो, क्विक बुक सीख सकते हो। मेरे अकाउंटेंट मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए, ये माहिर है, इनसे मैंने पहले मशवरा किया था, इन्होंने मुझे बताया ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर आप ना अच्छी खासी रोजी कमा सकते हो, एंड आप अकाउंटेंट कहलाओगे लेकिन वो चीज़ आप अकाउंटेंट होंगे लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं होंगे। और अगर आपको आप एक इस बिज़नेस को फ़र्ज़ कीजिए आपका चल पड़ता है और आपको थोड़ा आगे लेके जाना है तो फिर आप टैक्स के यानी जो टैक्स के मामलात होते हैं उसमें उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मैंने बोला ना हर कामयाब बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि उसकी इनकम अंदर आने वाला माल और बाहर जाने वाले के क्या नंबर हैं, और अगर उसका वो जो हेडेक है टैक्स वाला आप उससे ले सकते हो तो वो बिजनेस चलाए, उसका जो माहरियत है, उसकी जो महारत है कि वो बिजनेस चलाए, पैसे कमाए, और आप उसका हिसाब रखो। ठीक है, और ये इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये भी हो सकता है कि एक बिजनेसमैन आपको पक्का भी रख सकता है। ठीक है, यानी आप उसके साथ फ्रीलांसिंग में ये काम करते हो, कंसल्टिंग में काम करते हो, तो बाद में क्या होएगा कि जी वो आपको शायद फुल टाइम जॉब रख देते हैं इस तरह। ठीक है, फारग बैठने से ये बेहतर है, एंड इज्जत अपनी जगह, अपने वक्त पे आपने सारा कुछ करना है, एंड दैट्स इट। बस मैं आज़ाद चाय वाला है, रखिएगा। ओह यह वन सेकेंड, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप आगे अपने ना एक आध असिस्टेंट रख सकते हो जिनको वो जो लेग वर्क होता है ना, जो बाग दौर है वो उनको करनी है, आपको बस ऊपर बैठ के आप गाहक ला सकते हो, आपको बस हिसाब रखने के नीचे वाले काम सही कर रहे हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। अस्सलामुअलैकुम।